बैठे फ्रॉम मेरे पास बैठे। इससे तो मिल चुके हो ना तुम? जी। ये इफ्रा है, तुम्हारे चचा सफदर हुसैन की बेटी। ये सफदर हुसैन की अमानत है हमारे पास, बड़ा ख्याल रखती है ये मेरा। आप भी तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम चचा सफदर की बेटी हो? मैं तुम्हें नर्स समझता रहा था। खिदमत जो करती है बहुत। आपने मुझे मौका ही नहीं दिया बताने का। खैर कोई बात नहीं, मैं आपकी दवाइयां लेकर आती हूँ। बैठ जाओ ना। बड़े पापा, अब अब्बू जी की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। यासिर, आप उन्हें अपने साथ यहाँ क्यों नहीं ले आते? चाहता तो मैं भी यही हूँ कि अब्बू को यहाँ अकेला ना छोड़ो। लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि उन्हें अपने घर से, अपनी सरजमीन से कितनी मोहब्बत है। और वैसे भी नाराजगी की वजह तो तुम अच्छी तरह जानती हो। यासिर, अगर आप भी बिजनेसमैन नहीं उनकी तरह कमिश्नर होते तो शायद उन्हें आपसे ये शिकायत ना होती। ये तो तुम ठीक कह रही हो, उनके रूल्स आज भी वैसे ही। टाइम पर उठना, टाइम पर नाश्ता करना, दोपहर का खाना खाना, टाइम पर रात का खाना खाना, सोना, चाय पीना वगैरह वगैरह। तो इस लिहाज से तो यासिर आपको अब तक सो जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर आप वक्त पे नहीं सोएंगे तो सुबह वक्त पे नाश्ते पे नहीं उठेंगे और फिर अब्बू जी को गुस्सा आ जाएगा। हाँ ये तो है, वैसे भी अब्बू बड़ी मुश्किल से माने। मैं नहीं चाहता कि इतनी सी बात पर फिर से नाराज हो जाए। बहुत समझदार हो गए हैं आप। सब तुम्हारी मोहब्बत का असर। शुक्र है आपने तस्लीम तो किया। किसी ने ठीक ही कहा है, दूर रहने से आपस में मोहब्बतें बढ़ती हैं। हाँ ये तो है, बहुत मिस कर रहा हूँ मैं तुम्हें और कोमल को। मिस यू टू। गुड नाइट। गुड नाइट। सॉरी अबू, वो 5 मिनट लेट हो गया। इफ्रा को बुलाओ। जी बस। जी बड़े पापा, आपने बुलाया? यहां बैठो मेरे पास। अब नहीं, मैं बाद में कर लूंगी। तुम मेरे पास बैठो। जी। नाश्ता करो। सुबह को अच्छा नाश्ता करने से इंसान देर में बूढ़ा होता है। अच्छा, तो आपकी जवानी का यही राज है? मैं आपको बटर लगा कर देती हूँ। अब्बू की आदत से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। वक्त पर उठना, वक्त पर नाश्ता करना, वक्त पर खाना खाना, शाम की चाय और वक्त पर सोना। ऑनेस्टली इतना तो मैंने पूरी जिंदगी में घड़ी नहीं देखी थी जितना मुझे यहाँ पे एक दिन में देखना पड़ती है। उड़ा लो मजाक। अपने ही गिराते हैं,
नशे मन पर बिजली है। अरे वाह यासिर, आप तो शेर भी कहने लगे, शायर बन गए मेरे लिए, गुड। हाँ, कुछ दिनों में तो मजनू बन जाऊंगा, लोग पत्थर मारने लगेंगे मुझे, और फिर मैं किताब लिखूंगा, आशिक से मजनू तक का सफर। क्या हो गया यासिर, आप भी ना। हाँ याद आया मुझे, मैंने जो अबू जी के लिए आपको गिफ्ट दिया था वो आपने उन्हें दे दिया। क्यों लिया था तुमने? मैंने तुमसे कहा भी था कि मत लो, पता नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। क्यों यासिर, आपने अभी तक क्यों नहीं दिया? मैं उनकी आदत से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। आप उन्हें गिफ्ट देकर तो देखो, आप सब कुछ पहले से खुद क्यों सोच लेते हैं? आप तो ये भी कहते थे कि वो आपको माफ नहीं करेंगे, लेकिन देखें उन्होंने आपको माफ कर दिया ना। वक्त इंसान में तब्दीलियां ले आता है यासिर। ये तो तुम ठीक कह रही हो, उनके मिजाज में थोड़ी सी नरमी तो आ गई है, उनका दिल पहले की तरह सख्त नहीं रहा। यासिर, आप बिला वजह उनसे डरे, वो बिल्कुल भी वैसे नहीं रहे जैसे थे। अच्छा बाबा, मैं तुम्हारा गिफ्ट उन्हें दे दूंगा, मुझे पता है कि अगर मैं नहीं दूंगा ना तो तुमने मेरी जान नहीं छोड़ी। बस पता होना चाहिए आपको मेरी नेचर का, नहीं छोड़ूंगी, मुझे पता है ना बड़ों को किस तरह मनाया जाता है। आप मेरा काम कीजिएगा ना प्लीज। अच्छा चलो, आई टॉक टू यू लेटर, बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। आप अभी तक जाग रहे हैं? हाँ, तुम जानते हो कि मैं अपने वक्त पे सोता हूँ, अभी तो तकरीबन कोई 20 मिनट बाकी हैं। ठीक है। ये रोजीना ने स्पेशली आपके लिए ली थी और मुझे कहा था कि आपको दे दूँ ये। क्या हुआ, अब आपको अच्छी नहीं लगी? अच्छा, वो तुम्हें मालूम है कि मैं सादा जिंदगी गुजारता हूँ और मैं ऐसी फैशनी चीजें नहीं पहनता। आप पहन कर तो देखें, ट्राई तो करें प्लीज। तुम मोहब्बत से लाए हो तो लेने से मना नहीं कर सकता। मैं इसको रख तो दूंगा, लेकिन मुझे पता है कि आप इसे कभी नहीं पहनेंगे। तुम्हें ये सब लाने की जरूरत नहीं थी। मैं जानता हूं कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, और मैं ये भी जानता हूं कि गिफ्ट देने से मोहब्बत बढ़ती है, तो मुझे तो इस मोहब्बत की जरूरत थी। मोहब्बत कम ही क्यों करते हो जो फिर मोहब्बत बढ़ाने की जरूरत पेश आए? तुम्हारी माँ अगर होती तो ये सब देख के बड़ी खुश होती। माएँ तो इस बात का इंतजार करती हैं कि उनका बेटा अपनी कमाई में से कुछ लेके आए। लेकिन वो बेचारी अब ये सब देखने के लिए इस जहान में नहीं है। माएँ तो ये भी चाहती हैं कि उनके बच्चे खुश रहें, उन्हें खुशी मिले। अगर आप ये रख लेंगे तो मुझे खुशी होगी और अम्मी की रूह को सुकून भी मिलेगा। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग की आदत भी तुमने अपनी माँ से ही सीखी है। आप मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? रख दो यार। जी क्या देख रहे हो? 20 मिनट पूरे हो गए, मेरे सोने का वक्त हो गया, जाओ। जी गुड नाइट। गुड नाइट।
सफर। अरे सुनो, ये तुम क्यों कर रही हो? अशरफ से कहा करो ना। कहाँ अशरफ चाचा? लेकर आ रहे थे लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि अम्मी कहती हैं कि इतने छोटे मोटे काम लड़कियों की गिनती में नहीं आते। एक तो तुम्हारी अम्मी खुद बड़ी सुगड़ है और तुमको भी सुगड़ बना दिया। वो तो है। ये शर्ट कहाँ से आई? मैंने तो नहीं देखी। ये यासिर लाया था मेरे लिए तोहफा। अरे वाह अशरफ चाचा, आज आप यही प्रेस करते हैं? नहीं, मैं ही नहीं पहनूंगा। क्यों नहीं पहनेंगे? इतनी अच्छी है और आजकल फैशन में यही चल रही है, और आप जैसे हैंडसम पे यही अच्छी लगेगी। मैं नहीं पहनूंगा। वैसे साहब, रवि भी बिल्कुल ठीक कह रही है, ये आप पे बहुत जचेगी। तुम चुप रहो। अरे मैंने कह दिया ना, आप ये पहनेंगे तो बस आप यही पहनेंगे। मैं नहीं पहनूंगा। क्यों नहीं पहनेंगे? आप पहनेंगे तो यासिर भाई को अच्छा लगेगा, वो खुश हो जाएंगे। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। जी नहीं, आपको सबकी परवाह है, आप बस जाहिर करते हैं, झूठ बोलते हैं आप। अशरफ चाचा ये आयरन करें और आज बड़े पापा यही शर्ट पहनेंगे। लड़की तुम बहुत बोलने लगी हो। थैंक यू। नहीं आया अभी तक? अभी 2:02 है, वो ठीक 2 बजे आ जाएंगे। अशरफ चाचा सलाद ले आए। घूर क्या रहे हो? खाना खाओ। बड़े पापा, ये शर्ट आप पर बहुत सूट कर रही है। आखिर इफ्रा ने अपनी जिद मनवाई ली। कैसी जिद? भाई ये सूट पहनने की जिद इफ्रा बीबी ने ही की। अबू आपका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, आप कंट्रोल नहीं कर रहे इसे। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं। क्या पूछ रहे हो? किन सोचों में घूमे हैं आप? आपने टाइम पर मेडिसिन ली थी? नहीं ली ना, तभी तो आपका बीपी फ्लक्चुएट करता है। ले लूंगा। तो क्यों नहीं लेते आप वक्त पर? तुम मुझसे बहस करोगे? जाओ यहां से। मैं वैसे ही बहुत परेशान। ना जाने क्या क्या सोचता रहे। क्यों परेशान? आप बताते भी तो नहीं मुझे। ये फासले तुमने पैदा किए? हाँ तो अबू मैं खत्म करना चाहता हूं ना ये फासले। आप कुछ मुझसे शेयर भी तो नहीं करते। मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई, अभी गलती का मजावा करना चाहता। बड़े पापा, कल आपका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, याद है ना?
मैं फिर भी एक कॉल करके कंफर्म कर लेती। हेलो, तक जाग रही हूँ जी। वो कल कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट करवाने की लास्ट डेट है, तो बस उसे कंप्लीट कर रहे हैं। गुड। आपको वो काम है क्या? नहीं, बस वो तुम्हें थैंक्स कहने आया था। थैंक्स? मगर किस लिए? वो तुमने अबू को ड्रेस पहनने के लिए कहा था ना, तो मुझे अच्छा लगा। वैसे बाय द वे, तुम्हारी वजह से अबू में बहुत चेंज आ गया। पहले वो मुस्कुराते भी नहीं थे और अब उन्हें हंसते हुए देखा मैंने। बड़े पापा के अकेलेपन ने उनको चिड़चिड़ा बना दिया था। वो इतने साल अकेले रहे और तन्हा इंसान खुद को संभालते संभालते थक जाता है। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अबू को राजी करो कि वो मेरे साथ चले चले। सिर्फ ये काम तुम ही कर सकती हो। मैं? मगर आप उनसे क्यों नहीं बात करते? मैंने देखा है कि इतने सालों में जो रिश्ता मेरे अबू के साथ नहीं बन सका, वो तुमने बनाया उनके साथ, इसलिए वो सिर्फ तुम्हारी बात मान सकते हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि वो आपकी बात मानेंगे, क्योंकि उन्हें इस घर से बहुत मोहब्बत है। वो इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर यहाँ नहीं जाना चाहता। तुम जानती हो उनकी तबीयत पल में बिगड़ जाती है। अब ऐसी हालत में उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। तुम कोशिश तो कर सकती हो ना उन्हें राजी करने के लिए। थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हें मना लो। Ah!
कमिश्नर, अब तुम्हें सिर्फ एहतियात करनी है यार, सिर्फ आराम करो, टेंशन नहीं लेनी तुम्हें। बस सुन ले अबू, अब आपने बेड से उठना भी नहीं है, प्लीज रेस्ट करना है आपने कंप्लीटली। और अगर कमिश्नर साहब यही हाल रहा ना, तो ज्यादा दिन जी नहीं सकोगे। हाँ डॉक्टर, मुझे भी अब यही लगता है। मेरी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं यार, इसीलिए तो कह रहा हूं अपना ख्याल करो। और तुम तो भाई इतने हिम्मत वाले इंसान हो यार, तुम जानते हो तुम्हारी जिद पे मैं तुमको वापस यहां ले आया घर पे। यार अगर यही हाल रहा तो तुम्हें वापस हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। प्लीज यार, प्लीज अब आराम करो। रिमेंबर दैट। कौन? इफ्रा, तुम रो क्यों रही हो? हम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। देखे क्या हालत बना दी आपने अपनी। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आपके सिवा मेरा है ही कौन? ऐसा क्यों सोचते हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास। नहीं, आपको मेरी कोई फिक्र नहीं। अगर आपको मेरी फिक्र होती तो आप अपना ख्याल रखते। अगर आप किसी की सुनते ही कहा। अब मैं रखूंगा अपना ख्याल, तुम रोना बंद करो ना। कभी नहीं, कभी नहीं। आपको पता है आप मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा है ही कौन? मेरी तो माँ भी मुझे आपके सहारे छोड़कर चली गई।
अच्छा अब मैं पूरा ख्याल रखूंगा और बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अब पता है हम क्या करेंगे? लूडो खेलेंगे, लूडो। और इस दफा मैं तुम्हें हरा दूंगा। सुनो, तुमने आज मुझे सूप नहीं दिया। सूप? जो सूप पीना है? मुझे भूख लग रही है। भूख लगी है? हाँ, रोना नहीं, रोना नहीं। मैं अभी बना के लेकर आती, लेकर आई। मैंने तुम्हें तो तसल्ली दे दी, लेकिन अपने आप को जिंदगी की झूठी तसल्ली कैसे दे दूं? सर आप अभी तक सोए नहीं? आप आराम करें, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। कैसे सो जाऊं? मुझे नींद नहीं आती। तो वैसे आराम की जरूरत है आपको। सर किसी चीज की जरूरत है आपको? इफ्रा कहां है? सर वो तो काफी देर हुई सो गई। अगर आप कहें तो मैं उठा दूं। नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ। जी बेटा। जी वो आपने बुलाया? हाँ, आओ यहां से, मेरे पास बैठो। जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? अबू ये कैसा सवाल है? अच्छा ये बताओ, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा। मैंने इतनी मुश्किल बात तो नहीं की जो तुम ना समझ सकते हो। मैं सब कुछ कर सकता हूं आपके लिए। आप बात तो बताएं, बात क्या है? सब कुछ कर सकते हो, मेरे लिए शादी कर लो। जी तुम इफ्रा से शादी कर लो। हेलो। हेलो। हाँ पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप मुझे कॉल करेंगे, और देखिए आपने मुझे कॉल कर भी ली। लेकिन आप अभी तक क्यों जाग रहे हैं? हाँ बस वैसे ही। यासर आप इतने खामोश क्यों हैं? परेशान हैं क्या? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात तो जरूर है यासिर, वरना आप इस तरह बात तो नहीं करते। क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? कोई परेशानी है क्या? हेलो कहाँ गए आप? हाँ सुन रहा हूँ, शायद थोड़ा थक गया हूँ। वो कोमल कैसी है? ठीक है, वो बहुत मिस करती है आपको, और पता है आपको अपने एग्जाम्स की इतनी मेहनत से तैयारी कर रही है वो। अच्छा कब स्टार्ट हो रहे हैं उसके एग्जाम्स?
शायद नेक्स्ट वीक से। हाँ, आप अबूजी की वजह से परेशान हैं, उनकी तबीयत ठीक तो है ना? सब वहां खैरियत से है? नहीं, अबू की तबीयत सही नहीं है। डॉक्टर ने मुस्तकिल आराम का कहा है, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो कहां सुकून से बैठते हैं। इस उम्र में अबू जी को ये बात समझनी चाहिए, उन्होंने उम्र का एक हिस्सा अकेले गुजारा है। कभी कोई ऐसा था ही नहीं उनकी जिंदगी में जो उन्हें ऐसे संभाले। शायद इसीलिए उन्हें ये सब कुछ इतना मुश्किल और अजीब लग रहा होगा। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। अच्छा यासिर, अब आप भी सो जाइए। अबू जी का ख्याल रखते रखते कहीं आप अपना ख्याल रखना ना भूल जाइएगा। सीरियसली यासिर, आई मिस यू। सेम हियर। गुड नाइट। कोई काम था क्या? कुछ चाहिए? नहीं, बस वो पानी पीने निकला था मैं। मैं ला देती हूँ। नहीं, मैं पानी पी चुका हूँ। अगर आप इस तरह घबराएंगे तो उन्हें कौन हिम्मत देगा? आप ही तो उनका हौसला हैं। आपने डॉक्टर से बात की थी, वो क्या कहते हैं? डॉक्टर ने कहा है कि अबू का हार्ट बहुत वीक हो चुका है। कोई झूठा दिलासा भी नहीं दिया उन्होंने, बस कहा है कि दुआ करें, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। पहले मुझे भी इसी तरह डर लगता था कि कभी भी कुछ भी ना हो जाए, मगर आप जब से आए तो मुझे इत्मीनान हो गया। मेरा दिल कहता है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बड़े पापा जल्द ठीक हो जाएंगे। आपके आने से मैंने बड़े पापा की आंखों में एक नई उम्मीद देखी है, एक रोशनी देखी है। आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? अब मेरा मतलब है कि हम दोनों को नहीं। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप यहीं पे रह जाए ना, अपनी फैमिली को भी यहीं बुला लें। मैं कोशिश करता हूँ। हेलो यासिर, सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं, बस वैसे ही तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि शायद तुम सो गई थी।
हाँ मगर सब खैरियत है ना यासिर, आपने दोबारा अचानक किस तरह क्यों कॉल की? बस वैसे ही नींद नहीं आ रही। मैं आपकी कॉल देख के परेशान हो गई थी, कहीं खुदा ना खास्ता अब्बू जी को सब खैरियत है ना? क्या ये मुमकिन है कि तुम दोनों यहाँ आ जाओ मेरे पास? क्या क्या हो गया यासिर, आप इस तरह अचानक ये क्यों कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, अगर मैं आपकी बात मान भी लेती हूँ और छुट्टी लेने की कोशिश भी करूं, लेकिन कोमल के एग्जाम्स होने वाले हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं आ सकेगी। यासिर आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। यासिर क्या हो गया आपको, सब ठीक है ना? आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि अब्बू जी शायद मुझे वहां देखना पसंद ना करें। मैं सोच रहा था कि अगर तुम और कोमल यहां मेरे पास आ जाओगे तो मुझे भी इत्मीनान हो जाएगा। अच्छा तुम दोनों के बगैर मेरा दिल नहीं लग रहा यहाँ। हमारे वहां आने से आपको तो चैन आ जाएगा यासिर, लेकिन क्या अब्बू जी मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे? पता नहीं, ये तो तुम्हारे यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा। कहीं ऐसा ना हो यासिर, मेरे वहां आने से अब्बू जी के पुराने जख्म ताजा हो जाए और उनकी सेहत पर असर पड़े। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? यासिर उन्होंने बहुत मुश्किल से पुरानी तल्ख यादों को भुलाकर आपको सीने से लगाया है, आपकी तमाम गलतियों को नादानियां समझकर माफ किया है आपको। ऐसा ना हो कि मेरे वहां आने से अब्बू जी और आपके दरमियान दोबारा से वो फासले बढ़ जाए। मुझे नहीं पता, शायद तुम ठीक कह रही हो। पता नहीं अब्बू का रिएक्शन क्या होगा तुम्हें देखकर, लेकिन शायद तुम्हारे यहाँ आ जाने से मेरी जिंदगी उलझने कुछ कम हो सके। यासिर आप बिला वजह जज्बाती हो रहे हैं। बीमारी में इंसान तकलीफ से और तल्ख यादों से जितना दूर रहे उतना अच्छा है, और फिर मैं तो उनके लिए माजी का सबसे तकलीफ दे हिस्सा हूँ, इसीलिए मेरा वहां ना आना हम सबके लिए बेहतर है। Thank you.